ट्रेड विद कामरान भवानी, क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं? तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें, हम आपको देंगे बरवक और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर रابطہ करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 44। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम टू ऑल व्यूअर्स, मैं कामरान मेमन भवानी, इस वक्त हम वीडियो बना रहे हैं ऑटो सेक्टर्स के ऊपर, जिसकी वीडियो को शेयर करने का मकसद इंफॉर्मेशन देना है जिसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। वीकली देखते हैं कि ऑटो सेक्टर की क्लोजिंग किस तरह से रही और यानी कि वीक तक, नेक्स्ट वीक तक ऑटो सेक्टर की परफॉर्मेंस किस तरह से रहेगी। अगर हम एक वीकली जायजा लें ऑटो सेक्टर्स का, तो ऑटो सेक्टर में होंडा कार, अगर हम पूरे वीक में देखें तो होंडा कार 195 और 197 के दरमियान यानी कि ट्रेड होते हुए हमें नजर आया, और यानी कि इस पूरे वीक में देखा जाए तो 97 का यानी कि होंडा कार ने लो बनाया, तो क्लोजिंग रही है 203 के करीब। तो यानी कि हमारे पास जो स्टॉपर है वो 190 यानी कि 7 का स्टॉपर है। अगर 197 का स्टॉपर होंडा कार ब्रेक नहीं करता तो हम नेक्स्ट वीक में देख सकते हैं कि 205 से लेकर 210, 215 तक की, 220 तक की भी मूव आ सकती है ऑटो सेक्टर में होंडा कार में, यानी कि 197 हमारा स्टॉपर होगा। जीएचएनआई के वाले से अगर हम बात करें तो जीएचएनआई इस पूरे वीक के अंदर 17 यानी कि जीएचएनआई ने एक बार लो बनाया था 172 का, लेकिन जीएचएनआई ज्यादातर जो जीएचएनआई में एक्युमुलेशन रही वो 175 और 77 के दरमियान रही। अगर जीएचएनआई 172 यानी कि लेवल को यानी कि 170 का स्टॉपर लेने, अगर जीएचएनआई 170 का लेवल ब्रेक नहीं करता तो नेक्स्ट वीक में 185 से लेके 195 तक भी मूव कर सकता है और एक रैली बना सकता है। इसके साथ साथ यानी क्लोजिंग अच्छी रही है ऑटो सेक्टर में जीएचएनआई की। इसके अलावा अगर हम जीएचएनएल की बात करें तो जीएचएनएल की भी जो क्लोजिंग रही है वो बेहतर रही है फ्राइडे वाले दिन, और जीएचएनआई का जो स्टॉपर है वो 73 का स्टॉपर है। अगर 73 का लेवल को ब्रेक नहीं करता जीएचएनएल तो 77 से लेके 80 के एरिया तक यानी कि इस पूरे वीक के अंदर एक रैली बन सकती है, एक मूव दिखा सकता है। साथ ही अगर हम पाकिस्तान सुजुकी मोटर की बात करें तो पाकिस्तान सुजुकी मोटर ने फ्राइडे वाले दिन एक हाई मार लिया था तकरीबन 232 का, और उसके बाद फिर हमने देखा कि यानी कि लोअर साइड पे क्लोज हुआ 223 के करीब, लेकिन पाकिस्तान सुजुकी मोटर का जो स्टॉपर है वो 208 रुपए का है। अगर 208 का लेवल ब्रेक नहीं करता तो पाकिस्तान सुजुकी मोटर थोड़ा एक्युमुलेशन फेज में होगा और 200 यानी 25 से लेकर 235 के एरिया तक इसकी मूव रहेगी। इसके साथ साथ साजगार इंजीनियरिंग काफी लोअर साइड पर है और इसका जो स्टॉपर बन रहा है वो 96 का बन रहा है। अगर 96 के लेवल को ब्रेक नहीं करता तो ये रैली बना सकता है 103 से लेके 106 तक की, 109 तक की रैली यानी कि बना सकता है। दीवान फारूक मोटर ने एक एमओयू साइन किया था, इसके बाद हमने देखा इसमें फ्राइडे वाले दिन थोड़ी बेहतरी रही, लेकिन दीवान फारूक मोटर आपका थोड़ा ओवरबोट की साइड पर है यानी सपोर्ट है इसकी अगर देखा जाए तो 5.80 रुपए की। अगर 5.80 रुपए को ब्रेक नहीं करता तो थोड़ी सी करेक्शन लेने के बाद रिबाउंड कर सकता है। इस तरह के शॉर्ट व्यू हमने बनाए हैं आपको, आपको हमारे इस तरह के व्यू किस तरह के लगते हैं अपनी कमेंट्स, अपनी राय से जरूर आगाह करें ताकि इस तरह की वीडियो हम बनाएं ताकि आप उसमें बेहतर ट्रेडिंग कर सकें।